पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की मौत की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक एक कर हाफिज सईद से जुड़े सारे आतंकियों को ठिकाने लगाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब हाफिज सईद से जुड़े एक और पाकिस्तानी जिहादी की कराची में सिंध के राष्ट्रवादी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये आतंकी खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं और सिंधु देश बताने की बात कहते हैं। जमात उद दावा के आतंकी सरदार हुसैन की मौत का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार की कुर्सी अब थरथर कांप रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। आतंक को पना देने वाला अब खुद आतंक का शिकार बन रहा है और ये आतंकी झोपड़े अब तेजी से सिमट रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भारी संगठन काम नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में ही पनप रहे अन्य आतंकी संगठन इसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वो जो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के खिलाफ है, वो इसे लेकर एक्शन ले रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि जमात उद दावा के सरदार हुसैन की पिछले हफ्ते उनकी दुकान के पास हत्या कर दी गई और चार दिन बाद 5 अगस्त को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बता दें, सरदार हुसैन पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा और JUD का मदरसा नेटवर्क चला रहा था। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी सेना ने सरदार हुसैन की मौत की जिम्मेदारी ली है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काजी अहमद नवाब शाह में जमात उल दावा नेता और पंजाबी निवासी सरदार हुसैन अरन पर हमले की जिम्मेदारी ली। सरदार हुसैन को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी ने केवल एक नहीं, एक और जिहादी को भी मार गिराया। सरदार हुसैन के अलावा इस संगठन ने अकराम की भी हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कल रात थारी मीरवा खैरपुर मियास में पंजाबी निवासी अकरम अरन पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें, मारे गए दोनों ही आतंकियों को संगठन ने पाकिस्तानी एजेंट बताया है। उनका मानना है कि ये दोनों पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि दोनों हत्याओं ने फिर एक बार पाकिस्तानी सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पहले से आतंक से खौफ का रहे पाकिस्तान के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान से मिलने वाला प्रसाद कम था कि अब एक और संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की खबरी को ठिकाने लगाने पर तुल गया है। पाकिस्तान में जिस स्तर पर आतंकवाद और हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब वो देश बन गया है जिसके पास ना तो पाने के लिए कुछ बचा है और ना खोने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।